शॉर्ट है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की वीडियो है। आज आपको नाउन बताया जा रहा है। आज लेक्चर नंबर हमारा 11 है, जो जहाँ पर लेक्चर नंबर 10 हमारा खत्म हुआ था उसके बाद आगे को लेक्चर नंबर 11 जारी है। और आपको रीजन सहित आपको पॉइंट बताया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि रीजन सहित आपको हर चीजें बताई जा रही है। इसके अलावा कोई भी अगर वीडियो आपको देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, उसमें हर वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। आपको करना क्या होगा, करना यह होगा YouTube पर जाना है, उस पर लिखना है भूपेंद्र शॉर्ट हैंड। लिखते ही हमारी वीडियो खुल जाएगी, उस पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में क्लिक करते ही आपको हर वीडियो अलग मिल जाएगी, जैसे जीके की एक जगह, इंग्लिश की एक जगह, रीजनिंग की एक जगह, हिंदी की एक जगह, सब चीज एक एक चीज अलग अलग मिल जाएगी, लेकिन आपको प्ले लिस्ट पर जाना होगा। ठीक है, अब इसमें लेक्चर नंबर 11 में क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल है एनीबडीज बुक। ये तुम्हारे सामने सेंटेंस है, अब आपको बताना है ये सेंटेंस सही है कि गलत है। एनीबडीज बुक, बताओ सही कि गलत है। तो मेरे अनुसार ये जो सेंटेंस है वह बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि मैं रीजन लिख रहा हूं, कारण भी लिख रहा हूं, इसका कारण बता रहा हूं। बडी वन के साथ बने प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफीएस सही होता है। ठीक है, यानी जिसके अंदर बडी और वन आ जाए उनके साथ अपोस्ट्रोफीएस बिल्कुल सही होता है। जैसे एग्जांपल एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे एवरीबडी समबडी एवरीवन एनीवन, इनके साथ अपोस्ट्रोफीएस बिल्कुल सही है। इनके साथ के साथ अपोस्ट्रोफीएस सही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे जिसके अंत में आपको बडी और वन मिल जाए तो उसके साथ अपोस्ट्रोफीएस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको मैं बता रहा हूं, आपको मिस्टेक बतानी है क्या है वो नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट ये है एनीबडीज एल्स बुक। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में क्या कमी है। हमसे पहले बताना है कि सेंटेंस में आपको क्या लगी कमी लगी, एनीबडीज एल्स बुक। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि क्या गलती है, सही है या नहीं है। तो मेरे अनुसार तो फिलहाल ये सेंटेंस गलत है। अगर आपको रीजन पता है तो हमसे पहले आपको कमेंट करके बताना है कि इसका कारण ये था। तो मैं लिख रहा हूं इसका रीजन यह है, अगर कारण लिख रहा हूं यहां पर कारण, अगर बडी और वन के साथ ई एल एस ई एल्स, इसका मतलब होता है अन्यथा अपितु, इसका मतलब क्या होता है अन्यथा कह सकते हैं, अपितु यद्यपि कह सकते हैं, वो टेंस के अनुसार उसका भाव बन जाता है। बडी और वन के साथ एल्स आ जाए तो तब अपोस्ट्रोफी एस एल्स में लगता है। ठीक है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आपका, जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एनीबडी बी ओ डी वाई एनीबडी एल्स बुक। ये सेंटेंस बिल्कुल
सही है, यानी यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बडीज के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, एल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ हाउस, ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ हाउस। आपको बताना है कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है, रीजन सहित आपको बताना है। तो फिलहाल मेरे अनुसार तो ये गलत है। क्यों गलत है? उसका मैं कारण लिख रहा हूं, रीजन ये है, कारण लिख रहा हूं यहां पर देखो, ए ऑब्लिक ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ए ऑब्लिक ए एन प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे यहां पे बना देखो, ये एरा, ये नाउन प्लस ऑफ और ये नाउन के स्ट्रक्चर में, के स्ट्रक्चर में लास्ट वाले नाउन के साथ, नहीं आगे लिख रहा हूं मैं यहां पे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मैं इसको साफ करने वाला हूं, उम्मीद है कि ले लिया होगा आपने। इसका रीजन लिख रहा हूं यहां पर, ए एन नाउन प्लस ऑफ नाउन के स्ट्रक्चर में लास्ट वाले, लास्ट वाला, ये लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट वाला यानी जो लास्ट वाला नाम है, के साथ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। तो अब ये जो सेंटेंस है वो कैसा बन जाएगा, इसका आंसर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स हाउस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ए फ्रेंड ऑफ माय वाइफ्स हाउस। इस सेंटेंस की क्या हिंदी है, इस सेंटेंस क्या हिंदी निकलेगी वो आपको कमेंट करके बताना है कि सर आपके लेक्चर नंबर 11 में जो आपने सेंटेंस पूछा था उसकी हिंदी ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस शेख, इसका मतलब होता है न्याय के लिए, न्याय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर ये रूल कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए इस रूल को नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे क्योंकि फिर ज्यादा बड़े इसका वो वीडियो बन जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई नया विद्यार्थी है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, फिर बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि तभी हमारा नया नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचेगा। धन्यवाद।